अपने चेहरे पर लगा रहने दें और 15 मिनट बाद जब ये खुश्क होना स्टार्ट हो जाए तो इसको वॉश कर लें। याद रखिए कि इसके बाद आपको कोई भी ब्यूटी सोप या फेस वॉश यूज नहीं करना है। जैतून का तेल विटामिन ई और ए से भरपूर है। इसके अलावा इसमें फैटी एसिड्स भी काफी पाए जाते हैं जो कि जिल को नरम और मुलायम रखते हैं। ये कुदरती मॉइस्चराइजर भी है। ये जिल की खूबसूरती में इजाफा करता है। तकरीबन सभी ब्यूटी प्रोडक्ट में ये मुफीद फल जरूर इस्तेमाल होता है। इंसानी जिस्म और स्किन को जिन विटामिन्स की जरूरत होती है वो दही में बाकसरत पाए जाते हैं। ये एक बेस्ट कुदरती क्लिंजर भी है। इसके अलावा बादाम जबरदस्त किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन को तरोताजा, नम और खूबसूरत बनाने में बहुत फायदेमंद है। एक हफ्ते में इस टोटके को आपने कम से कम 4 बार जरूर इस्तेमाल करना है। इस अमेजिंग फेस ग्लोइंग क्रीम से न सिर्फ आपका चेहरा व्हाइट होगा साथ ही स्किन बहुत साफ और दिलकश भी हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपनी तमाम फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती